अब बात करेंगे मोतिहारी की, जहां 2024 के चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, जिसके तहत बीजेपी 9 साल बेमिसाल के तर्ज पर बड़े बड़े सभाओं का आयोजन कर रही है। जिले से लेकर अनुमंडल तक बीजेपी के द्वारा इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और मोदी सरकार के द्वारा 9 वर्षों में किए गए कार्यों को लोगों के बीच रखा जा रहा है। इसी कड़ी में मोतिहारी के अरेराज में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और सरकार की उपलब्धियों को बूथ स्तर तक पहुंचाने की बात कही और बिहार सरकार पर जमकर निशाना भी साधा। जानकारी देते हुए भाजपा आईटी सेल के संयोजक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि हमारा लक्ष्य है कि हर एक आदमी तक भाजपा के कार्यों और उपलब्धियों को पहुंचाया जाए। भाजपा के शासनकाल में देश मजबूत बना है और देश की प्रतिष्ठा पूरे विश्व में बढ़ी है। मोदी जी का सरकार 2014 में पार्टियों के तरफ देखा गया, पिछले 26 वर्ष से राजा भरे हुए, और दूसरी पार्टी के तरफ देखेंगे तो जो बिहार के मुख्यमंत्री जनता दल यूनाइटेड के हैं वो 18 वर्ष से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जो बच्चा जन्म लिया था वो भी हम बिहार सरकार के पूर्व मंत्री आदरणीय प्रमोद कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत सरकार के मंत्री रहे आदरणीय